बायो सावर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट अलग अलग साइंटिस्ट ने नियम दिया था इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार चालक के अल्पांश के कारण, चुंबकीय क्षेत्र कि क्षेत्र देखो निम्न कारकों निर्भर करता है। जो मान लिया में एक धारावाही चालक है जिनका इसका अल्पांश डेल्टा एल ले लिया, इससे थीटा कोण पर और आर डिस्टेंस पर एक बिंदु पी मान लिया, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है डेल्टा बी, डिस्टेंस है आर। तो देखते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट कारक है जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चालक में प्रवाहित धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है, समीकरण फर्स्ट। और सेकेंड कंडीशन होती है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी होगा चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, अल्पांश खंड जो लिया है उसके अनुपाती, समीकरण दो। तीसरी कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र का अवयव होगा वो चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश के बीच माने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा, समीकरण थर्ड। और अल्पांश से और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, तो डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती वन अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण फोर्थ। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ से तो ये मिलेगा डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एन साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो समानुपाती हटेगा इक्वल आ जाएगा, फिर नियतांक आएगा यहाँ पर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, यहाँ पर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई एक नियतांक है जिसका मान होता है 10^-7 और म्यू जीरो कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता।